कर्मचारी भी अपने वादे पर हमेशा अडिग रहेंगे, खास करके मेरे जैसा आदमी जो कि रिटायर करने वाला है, इन पूरे समूह में सबसे पहले रिटायर करने वाला। ये जनता की सरकार है। आखिर ऐसा क्या हुआ, सचिवालय से घर के लिए निकले मुख्यमंत्री ने आधे रास्ते से अपनी गाड़ी घुमा ली। मंत्रालय में ऐसा कौन पहुंच गया कि सीएम ने यू टर्न ले लिया। दरअसल झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक के बाद आवास के लिए निकले थे। करीब 15 मिनट बाद मंत्रालय में हरकत हुई और सूचना आई कि सीएम आधे रास्ते से मंत्रालय लौट रहे हैं। मंत्रालय के पोर्च में जैसे ही मुख्यमंत्री की कार लगी, वहां खड़े लोगों ने सीएम को फूल माला से लाद दिया। दरअसल कैबिनेट की बैठक में ओल्ड पेंशन योजना लागू करने पर मुहर लग गई। इस योजना के लागू होने से राज्य के 1 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को सीधा फायदा पहुंचेगा। इस बात की जानकारी मिलते ही मंत्रालय में खुशी की लहर दौड़ गई। वहां आए लोग सीएम को ढूंढने लगे। उन्हें बताया गया कि मुख्यमंत्री मंत्रालय से अपने आवास के लिए निकल चुके हैं, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं थे। फिर मुख्यमंत्री को इस बात की सूचना दी गई और मुख्यमंत्री की गाड़ी आधे रास्ते से मंत्रालय की तरफ लौट गई। मंत्रालय में जैसे ही मुख्यमंत्री पहुंचे, सबसे पहले उनका स्वागत हुआ और आगे क्या हुआ ये देखिए। पुरानी पेंशन लागू करने का मतलब हुआ कि अब कर्मचारी अपने भविष्य के जो चिंताएं थी उससे मुक्त होकर के सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारने में 100% जो अपना योगदान है अब दे सकेंगे। पहले क्या एक चिंता रहता था कि बुढ़ापे में हमारा क्या होगा, रिटायरमेंट के बाद क्या होगा, पेंशन की गारंटी नहीं है, हम कहाँ जाएंगे। लेकिन वर्तमान सरकार इतनी संवेदनशीलता इन्होंने दिखाया है, ये समझे कि कर्मचारी के बुढ़ापे को जब हम सुरक्षित करेंगे तो कर्मचारी और ताकत से हमारे योजनाओं को धरातल पर उतारेंगे। खास करके मेरे जैसा आदमी जो कि रिटायर करने वाला है, इन पूरे समूह में सबसे पहले रिटायर करने वाला, इसलिए मेरे लिए तो ये अमृत वर्षा है मुख्यमंत्री जी का। और अंतिम सांस तक मैं मुख्यमंत्री जी के इस बात को, इस वरदान को नहीं भूलूंगा। कृतज्ञता से भरा हुआ ही इस दुनिया से जाऊंगा। हमारा जो भी 26 जून को पेंशन जयघोष महासम्मेलन हुआ था, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री स्वयं आए थे और 50,000 से ऊपर कर्मचारी फुटबॉल ग्राउंड मोराबादी में जमा हुए थे, और वहां उन्होंने कहा था, वादा किया था कि 15 अगस्त तक मैं इसका फाइनल सॉल्यूशन कर दूंगा। और ये बिल्कुल दिख रहा है कि 15 अगस्त तक जो हम लोग स्वाधीनता दिवस मनाएंगे, उसके साथ साथ हम लोग एनपीएस से भी आजादी का महोत्सव मनाने जा रहे हैं। करते हुए उनके मुखारबिन से झारखंड के कर्मचारियों में जो आस जगी थी 2000 में झारखंड बनने के बाद, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 17 वर्षों तक जिस मुद्दे को लोग दबा कर रखे थे, हेमंत है तो हिम्मत है, जब उन्होंने घोषणा किया उसके अनुसार से कार्य किए और हम लोगों ने, तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय दिन रात राज्य के विकास के लिए काम करते हैं दुगने उत्साह के साथ। राज्य के तमाम सरकारी कर्मचारी भी उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलेंगे और जो इनकी जो योजनाएं होगी हम लोग धरातल पर उतारने पर निश्चित रूप से कार्य करेंगे।